सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से सही जांच करवाने की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि सुशांत खुदकुशी का सच सामने आए और सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सही जांच करवाई जाए। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि सुशांत सिंह मामले में सही जांच करवाई जाए। शिखा धारीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिखा, और क्या क्या बातें कही हैं श्वेता ने इस अपील में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्वेता सुशांत की बहन श्वेता ने एक पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके भाई का कोई भी गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं था और उनके भाई के जाने के बाद उनका भी अभी कोई परिचित बॉलीवुड में नहीं है। और उन्होंने जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि इस केस से जुड़ा सच बाहर आना चाहिए और वो उम्मीद करती हैं कि प्रधानमंत्री भी सच के साथ खड़े होंगे और वो भी चाहेंगे कि इस केस से जुड़ा सच सामने आए। और उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपील की है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और इस पूरे मामले का सबूत जल्द ही सच सामने आए। जी जी रिया चक्रवर्ती का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रिया अपने कुछ दोस्तों से बिल्कुल मजाकिया लहजे में बात करती हुई दिखी और वीडियो में किसी डॉन की तरह बात करती दिखी। अब उन ताई है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा बुड्ढा लोगों को कैसा मैनिपुलेट करना। इसी बातचीत में रिया ने अपने बॉयफ्रेंड यानी सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। एक डॉन के तौर पर रिया अपना काम भी समझाने लगी। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है, ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं। अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। रिया की बातों पर साथ मौजूद लोग हंसते रहे और रिया आगे बढ़ती गई। रिया ने प्रोड्यूसरों से हफ्ता वसूलने तक का जिक्र कर दिया। इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। बस वीडियो के आखिर में रिया ने कुछ ऐसी बातें की जिन्हें सुशांत और रिया के रिश्ते से जोड़कर देखा जाने लगा। उन्होंने अपने ऊपर बैठे किसी डॉन का जिक्र किया, लेकिन जबान से उसका नाम निकलते ही रिया ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करवा दी। ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, रिया वीडियो में किन लोगों से बात कर रही है और किसने वीडियो रिकॉर्ड किया, ये अब तक साफ नहीं हुआ। इस बीच सुशांत के एक करीबी दोस्त और एक पूर्व नौकर से बिहार पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के दोस्त ने बिहार पुलिस को बताया कि रिया सुशांत का मोबाइल फोन चेक किया करती थी और उन पर पूरी नजर रखती। सुशांत खुद इस बात से परेशान थे कि वो किसी से भी बात करते हैं तो रिया को पता चल जाता। इतना ही नहीं, सुशांत की मर्जी के बिना ही रिया ने उनके पूरे स्टाफ को बदल दिया। बिहार पुलिस ने सुशांत के जिस पूर्व नौकर से पूछताछ की, वो कभी सुशांत के घर का सारा खर्च संभाला करता था और नौकर ने बताया कि रिया के आने के बाद घर का खर्च काफी बढ़ गया था, जिस पर उसने रिया को टोका भी था, लेकिन इसी बात से चिढ़कर रिया ने मौका देखकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए निकलवा दिया। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने मीडिया में चल रही खबरों के बाद एक बयान जारी किया। सुशांत और उनके रिश्तों से जुड़े किसी भी आरोप पर रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कानून पर भरोसा जरूर जताया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is contentious. Satyamev Jayate. रिया चक्रवर्ती का ये बयान तब आया जब उनके और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा और भी कस गया। पुलिस की जांच के अलावा अब रिया और उनके परिवार की जांच ईडी ने भी शुरू कर दी। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक रिया और उसके परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी करेगा और जांच के तहत ईडी की मुंबई यूनिट रिया और सुशांत की सभी कंपनियों के खाते खंगालेगी। जल्द ही इस मामले में रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। अमेरिका की ह्यूस्टन में केमिकल के एक गोदाम में आग लग गई, या किस वजह से लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन केमिकल भरा होने की वजह से ये बहुत तेजी से फैल गई और उसने गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।
आग लगने के बाद गोदाम से भीषण लपटे और धुआं उठता दिखाई दिया जो पूरे इलाके में फैल गया। एहतियात के तौर पर गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से गुजरने के लिए भी मना कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मचारी गोदाम को चारों तरफ से घेर कर वहां पानी की बौछार करते दिखाई दिए। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। राजस्थान में सरकार बचाने की उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। वहां लंबी तकरार के बाद राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद गहलोत समर्थक विधायक जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए गए। सचिन पायलट की बगावत के बाद से ही ये विधायक जयपुर के एक होटल में रह रहे थे, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद उन्हें जैसलमेर के एक 5-स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया। ये विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से 3 चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जैसलमेर रवाना हुए। ये सभी विधायक 14 अगस्त तक वहां रहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जयपुर एयरपोर्ट पर MLA एक एक करके यहाँ से होटल से पहुँचे हैं और अब उसके बाद में एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जैसलमेर रवाना होने से पहले इन विधायकों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई और उन्होंने अपने हाव भाव से सरकार के सुरक्षित होने के संकेत दिए। लोकतंत्र बताएंगे राजस्थान में करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर तंज कसा। जैसलमेर के बाद आगे पाकिस्तान आ जाता है, उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा तो दोनों तरफ ही है, काले जाएंगे। जैसलमेर के जिस होटल में विधायक रुके हैं वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम के कोकराझार में NDRF ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहां कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद NDRF की कई टीमें नाव से वहां पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ का पानी मकानों में भरा दिखाई दिया। सड़कों का तो जैसे नामो निशान तक मिट गया, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। कुछ लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। हालांकि NDRF की एक टीम वहां घर घर जाकर फंसे हुए लोगों को बचाती दिखाई दी, लेकिन कुदरत की मार से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और लोगों को बाढ़ से कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। चीन के शंघाई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में तैनात रोबोट रसोइये का काम करता दिखा। कोरोना संकट के दौरान वहां रोबोट के इस्तेमाल में तेजी आई और ऐसा ही एक रोबोट तो रेस्टोरेंट में खाना बनाता नजर आया। ये रोबोट किचन में रखी मशीनों को बड़े आराम से इस्तेमाल करता दिखा। इस दौरान उसने खाना बनाने के साथ उन्हें पैक करके भी दिखाया। दावा किया गया कि ये रोबोट करीब 1100 तरह की डिश बना सकता है और उन्हें लोगों को परोस भी सकता है। रेस्टोरेंट के मुताबिक उनके किचन में अब किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कोरोना फैलने का खतरा भी कम हुआ है। यूपी के एटा में SSP ऑफिस के सामने दो महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि एक महिला ने दूसरी महिला पर लूट का आरोप लगाया और इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक महिला ने दूसरी महिला का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उनके बीच सड़क पर खींचतान होने लगी। दोनों महिलाओं को सड़क पर झगड़ता देख वहां कई लोग जमा हो गए और कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते दिखे। इस बीच वहां से पुलिस की एक गाड़ी भी गुजरी, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद एक महिला वहां से किसी तरह भाग गई और थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने आरोप लगाया कि उस पर रेप का केस वापस लेने का दबाव बनाया गया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो आरोपी पक्ष के लोगों ने सड़क पर उसके साथ मारपीट की। मुझे संदीप की बहन और संदीप के घरवाले सब झूठा फंसाना चाहते हैं। तो वहां से निकल के जा रही थी तो उन लोगों ने मुझे वहीं SBI बैंक के सामने में CEO ऑफिस जा रही थी, उन्होंने घेरा मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों और जंबो जेट की मदद लेनी पड़ी। 300 एकड़ के बड़े इलाके में फैली इस आग की वजह से पास के एक हाईवे को रविवार तक बंद भी कर दिया गया, क्योंकि जो आग दोपहर में महज 1 एकड़ में सुलगी थी उसने करीब 3 घंटे के अंदर 250 एकड़ का इलाका जलाकर राख कर दिया। इतनी भयानक आग को बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टर और जंबो जेट आसमान में मोर्चा संभालते नजर आए। हेलीकॉप्टर नेशनल फॉरेस्ट में मौजूद तालाब से ही पानी भरकर उड़े और फिर आग पर पानी की बौछार करते दिखे। जंबो जेट तो आग पर कई किलो केमिकल डालकर वार करता नजर आया। हरे भरे नेशनल फॉरेस्ट से उठती आग की लपटों ने उसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने नोटों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाने का दावा किया है। दावा यह है कि मशीन सिर्फ एक मिनट के अंदर ही नोटों को सैनिटाइज कर सकती है। और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस मशीन का परीक्षण भी किया गया। एक आदमी ने एक काउंटर के ऊपर रखी मशीन के अंदर 100 रुपए का एक नोट डाला, जिसे मशीन ने धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काउंटर के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने वो नोट निकाल लिया। दावा है कि सिर्फ इतनी देर में नोट और चेक इस मशीन से आसानी से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। बताया गया कि मशीन के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइटें लगी हैं, जिनसे नोट सैनिटाइज होते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथोजन। नोटों को सैनिटाइज करने वाली इस मशीन को करेंसी स्कैनर नाम दिया गया और बताया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भी नगद भुगतान करेगा उसके नोट इसी मशीन से सैनिटाइज किए जाएंगे। क्योंकि खबर है कि विधायकों की निगरानी कर रही गहलोत की टीम को जानकारी मिली थी कि जयपुर के होटल में विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और रक्षाबंधन के मौके पर उनके रिश्तेदारों के जरिए पायलट गुट के लोग विधायकों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया कि 14 अगस्त तक विधायकों को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ कोई भी आसानी से ना पहुँच सके। यही नहीं, ये विधायक जैसलमेर के जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ किसी के आने जाने पर मनाही है, क्योंकि खुद अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि अब रेट अनलिमिटेड हो गए, यानी कि विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि पार्टी की ओर से विधायकों को शिफ्ट करने की एक वजह यह भी बताई गई कि 16 दिन से विधायक एक ही जगह पर रहकर बोर हो रहे थे और जैसलमेर घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा। यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने पर चालान बढ़ा दिया गया। अब दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम 1000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपए चालान देना होगा। गुजरात के मोरबी में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाडेजा के घर पुलिस ने छापा मारा और उनके पिता समेत 6 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से उन्हें आईपीएल के कमेंट्री पैनल में शामिल करने की अपील की। बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर को इसी साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज से पहले अपने कमेंट्री पैनल से हटा दिया था। हालांकि ये सीरीज कोरोना की वजह से टल गई थी। संजय मांजरेकर पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान रविंद्र जाडेजा के साथ सोशल मीडिया पर हुए विवाद में भी उलझ गए थे। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पेड़ पर चढ़ा एक विदेशी हिंदी गाना गाता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़के पर कुछ लोगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये मीट भैंस का है, जिसका सैंपल लेकर पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम में जमकर हंगामा हुआ। मीट से लदी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया और ड्राइवर वाली सीट पर बैठे एक शख्स को बाहर निकालकर उसे बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोग उस पर हथौड़े से भी वार करते हुए नजर आए। इस मारपीट में उसके कपड़े भी फट गए। पुलिस ने उसे पीट रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो उससे भी भिड़ गए। दावा है कि इसके बाद पुलिस के सामने घायल हालत में उससे कुछ लोग अगवा कर ले गए और इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारी बारिश के सितम से जूझते उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ खिसकने की एक घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इस घटना के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मलबा हटाने के लिए 2 टीमों को वहां लगाया गया। पहाड़ से मलबा जिस मकान पर गिरा उसकी छत टूटी हुई नजर आई। बताया गया कि हादसे के दौरान 3 बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे जिसकी छत टूटकर मलबा नीचे आया। पूरा मेरा परिवार खत्म हो गया, पूरे बच्चे भी दब गए उसमें और पूरा मकान खत्म हो गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए जिले के डीएम ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात में सूरत के हजीरा इलाके में आइसोलेशन सेंटर बनाया। इस सेंटर का उद्घाटन गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया। 75 बिस्तरों वाले इस केंद्र में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जहां कोरोना के ऐसे मरीजों को भर्ती करवाया जा सकेगा जो कम गंभीर होंगे। यह आइसोलेशन सेंटर सूरत के हजीरा इलाके में बना है, जहाँ कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। जन्मभूमि पूजन के मौके पर अयोध्या की तरह लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी दीपोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई।
5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर मनकामेश्वर मंदिर में 500 दिए जलाए जाएंगे और इसके लिए लक्ष्मण नगरी के रूप में मशहूर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कुछ श्रद्धालु हर दिए पर राम नाम लिखते नजर आए। अलग अलग रंगों से सजाए गए मिट्टी के इन्हीं दियों से मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के वनवास वापस अयोध्या के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पे अर्जन पूजन और रात्रि विश्राम किया है। बताया गया कि इसी वजह से जन्मभूमि पूजन के मौके पर यहां दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। जापान के टोक्यो में एक रेस्टोरेंट में जरूरी दूरी बनाए रखने के लिए पुतलों के इस्तेमाल का अनोखा तरीका देखने को मिला। इससे पहले भी कुछ देशों में टेडी बेयर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन टोक्यो के इस रेस्टोरेंट में तो ग्राहकों की तरह दिखने वाले पुतलों का इस्तेमाल किया गया। ये पुतले रेस्टोरेंट में जगह जगह रखे दिखाई दिए। कई तरह के इन पुतलों को अलग अलग कुर्सियों पर बैठाया गया ताकि रेस्टोरेंट भरा हुआ लगे और लोग भी एक दूसरे के करीब ना आए। बताया गया कि जरूरी दूरी बनाए रखने में ये प्रयोग काफी कारगर साबित हुआ। वहाँ आने वाले लोग भी इस अनोखे तरीके से काफी खुश नजर आए। जापान में हालात में सुधार आने के बाद रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं लेकिन वहाँ एक बार में कुछ लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत है। पंजाब सरकार के सीनियर अफसरों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में कटौती के फैसले पर घमासान छिड़ गया। इससे पहले वहां अधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल भत्ते में भी कटौती की गई थी और अब राज्य सरकार ने सीनियर अफसरों को मिलने वाले हर महीने के पेट्रोल के कोटे में 25% की कटौती कर दी। हालांकि स्वास्थ्य और पुलिस विभाग समेत खाद्य कृषि और जिला प्रशासन को इस फैसले से बाहर रखा गया। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील ये है कि कोरोना काल में अधिकारियों ने कम यात्रा की लेकिन हर विभाग को तेल का उतना ही कोटा मिला जितना पहले मिलता था और इसीलिए राज्य के करीब 61 विभागों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में कटौती की गई। लेकिन विपक्ष की मांग है कि यह फैसला मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों पर भी लागू किया जाए। मुलाजमों के ऊपर कटौतियां लगा रहे हो तो बाकी सबके ऊपर भी जो कैप्टन साहब के ऊपर भी लगनी चाहिए, मंत्रियों के ऊपर भी लगनी चाहिए, एमएलए के ऊपर भी, जो इन्होंने ओएसडीज की सेक्रेटरीज की फौज खड़ी की हुई है उनके ऊपर भी लगनी चाहिए। आईआईएम के सर्वे में कोरोना से लड़ाई में गुजरात सरकार की तारीफ पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। आईआईएम अहमदाबाद के एक सर्वे में कोरोना से लड़ाई में गुजरात सरकार की तारीफ की गई और दावा किया गया कि रूपाणी सरकार की कोशिशों से राज्य के 80% लोग संतुष्ट हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने सर्वे पर सवाल उठा दिए। There is a sense of upliftment and they are generally happy with the way the state apparatus has responded. आईआईएम का रिपोर्ट के सहारे गुजरात सरकार अपने खुद स्वयं प्रमाणित संस्था होने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ 6th ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के दौरान कोरोना संकट और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब के पठानकोट में बमियाल सेक्टर के पास पाकिस्तान की ओर से 3 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसकी जानकारी लगते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद घुसपैठिए भाग गए। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर रख दिए, जिनमें एक स्टेशन का नाम जयललिता के नाम पर भी है। आईपीएल शुरू होने से पहले ही विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बड़ा झटका लगा। खबर है कि डिविलियर्स आईपीएल में देरी से शामिल होंगे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने फिर लॉकडाउन लगा दिया है। डिविलियर्स के अलावा डेल स्टेन और डिकॉक भी अपनी टीमों के साथ देरी से जुड़ेंगे। दिल्ली के हिंसा वाले इलाके मौजपुर में मकान बेचने के पोस्टर लग गए। इसी साल फरवरी के महीने में सीएए के विरोध में वहां जमकर हिंसा हुई थी, जिसके कुछ महीने बाद वहां मकान बेचने के पोस्टर लगे नजर आए। ये पोस्टर इक्का दुक्का मकानों पर नहीं बल्कि करीब 40 से 50 मकानों पर लगे दिखे, जिनमें ये तक लिखा नजर आया कि लोग डर की वजह से अपना मकान बेचना चाहते हैं। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोग अब अपने घर को बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। दरअसल लोगों का ये कहना है कि जो मंजर इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है वो बहुत खतरनाक था। हिंसा के बाद मौजपुर इलाके में पूछताछ के लिए पुलिस का आना जाना बढ़ गया। ये लोग इस बात से भी परेशान दिखे। जब पुलिस भी बार बार आती है, पूछताछ करती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी परेशानी होती है आप लोग? बिल्कुल, सभी में यही डर है कि कहीं अब उनका नाम ना जाए। इस बीच लोगों की परेशानी और डर के बारे में पता चलते ही इलाके के सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि वो उनकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सारी बातें हम सुन रहे हैं और जो भी सिचुएशन है, जैसे भी इनके अंदर से डर हटे या सिचुएशन में जो जो गड़बड़ी हो रही हो उसको ठीक करना ही पड़ेगा। मौजपुर में सीएए का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी और दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी।
देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत के 25 साल पूरे होने पर मोबाइल कंपनियों के संगठन COAI ने एक वेबिनार किया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए और देश में 5G टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ावा देने की अपील की। Here I specifically refer to the fact that India still has 300 million mobile subscribers trapped in the 2G era. Their feature phones keep them excluded even from the basic uses of internet at a time where both India and the rest of the world are standing at the doorsteps of 5G telephony. I think necessary policy steps should be taken with utmost urgency to make 2G a part of history. मेक्सिको में अमेरिका को पानी देने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब 75 साल पुराने एक समझौते के तहत मेक्सिको अपनी नदियों के पानी का एक हिस्सा अमेरिका को देता है, लेकिन वहां इस समझौते का विरोध शुरू हो गया। डेलिसियस में तो गुस्साए लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। लोगों ने वहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर गाड़ियां खड़ी कर उनमें आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद मेक्सिको के राष्ट्रपति को लोगों को समझाने के लिए सामने आना पड़ा। El agua a los agricultores। हालांकि इसके बावजूद वहां प्रदर्शन जारी रहा। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ करने के साथ एक सरकारी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। यूपी के बिजनौर में दो गुटों में हुई झड़प में दो लोगों की मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में दो गुटों में झड़प में दो लोगों की मौत के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के खंडवा में पुलिस ने घने जंगलों में बन रही भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की। असम के तिनसुकिया में करीब दो महीनों से तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। अमेरिका के हवाई अभ्यास के दौरान एक समुद्री टैंक में आग लगने से एक आदमी की मौत और आठ लोग लापता हो गए। ब्रिटेन के बाइटन में शुक्रवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। अमेरिका के शासन वाले टापू पुर्तो रिको में इजायस तूफान की वजह से भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सजा के तौर पर एक महिला का अपने पति को कंधे पर बिठाकर घुमाने का वीडियो वायरल हो गया। इस महिला को गांव के ही कुछ लोगों ने दूसरे आदमी से संबंध रखने के आरोप में ये सजा सुनाई और उसे अपने पति को कंधों पर बिठाकर पूरा गांव घुमाने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों की भीड़ और गुस्से के आगे वो महिला भी चुपचाप रही और अपने पति को कंधे पर उठाकर चलती बनी। भीड़ के बीच हाथों में डंडे लिए कुछ लोग शोर मचाते हुए उसके पीछे चलते रहे। सजा पाई महिला ने कई बार लोगों से गुहार लगाई कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन गांव वालों ने उसकी नहीं सुनी। जब वो अपने पति को कंधे पर बिठाकर चल रही थी तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की कोशिश भी की। काफी दूर चलने के बाद जब वो महिला थक गई तो उसने अपने पति को कंधे से उतार दिया। ये देख कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। फिर डर कर उसने दोबारा अपने पति को कंधे पर बैठा लिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस महिला के पति समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध कठोर IPC की धाराओं में जो है मुकदमा कायम किया गया। बताया गया कि उस महिला को सजा सुनाने वाले दो आरोपी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी पुलिस ने दिया। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत पुरानी थी और उसे फिर से बनाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी छत गिर गई, जिसके बाद वहां मलबा ही मलबा नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से दो लोगों के शव निकाले, जबकि तीन और लोगों को भी मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं NDRF की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारियों ने भी हादसे वाली जगह पर जाकर राहत और बचाव के काम को देखा। बिल्डिंग कलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में वहां की सरकार के सामने टिड्डियों से निपटने की चुनौती बढ़ गई। इस साल तीसरी बार वहां टिड्डियों के झुंड ने हमला किया और बताया गया कि अर्जेंटीना में ये टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें अर्जेंटीना के फॉर्मोसा प्रांत के कई इलाकों से सामने आई। वहां खेतों में फसलों को बर्बाद करने के बाद टिड्डियों का झुंड आसमान में उड़ता नजर आया। वहां से सामने आई एक पेड़ की तस्वीर तो काफी डरावनी दिखी। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पेड़ पर सूखी पत्तियां लटक रही हों, लेकिन असल में उस पेड़ पर इतनी ज्यादा टिड्डियां बैठी थीं कि पेड़ की टहनी तक नहीं दिखी।
टिड्डियों से निपटने के लिए वहां के प्रशासन ने छोटे विमानों की मदद भी ली और उनके जरिए दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही कई लोगों को भी दवा के छिड़काव के काम में लगाया गया जो जंगलों में टिड्डियों से निपटने की कोशिश करते दिखे। इस साल तीसरी बार टिड्डियों ने अर्जेंटीना के कई इलाकों पर धावा बोला, जिसके बाद वहां की सरकार ने भी सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए। यूपी के मऊ सदर विधानसभा सीट के विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जुगनू वालिया की 2,31,46,248 रुपए की संपत्ति जब्त की है। जुगनू वालिया के खिलाफ अलग अलग थानों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर के बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस सूबे में माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया, जो आलमबाग थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराध जगत में अपराध से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को हमने कुर्क किया है। इसकी कुल वर्थ लगभग 2,31,00,000 से अधिक है, जिसमें इसकी गाड़ियां हैं, एक फ्लैट है, अकाउंट में जो पैसा था वह है। इस अपराधी के विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे कायम हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिन दहाड़े पिस्तौल के दम पर गहनों की एक दुकान में हुई लूटपाट की घटना से दहशत मच गई। पुलिस ने बताया कि बदमाश 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर रफोचक्कर हो गए। और यह घटना पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पिस्तौल लिए एक बदमाश को दुकान में घुसते हुए देखा गया। वो अंदर आया और सीधे दुकानदार पर पिस्तौल तान दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। धारदार चाकू लिए एक बदमाश दुकान के बाहर खड़ा हो गया। एक बदमाश भागकर अंदर आया और गहनों से भरे डब्बे को उठा कर ले गया। इसके बाद सभी बदमाश वहां से रफूचक्कर हो गए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर बदमाशों ने दिन दहाड़े 10 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया। लोगों ने घटना पर पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी जताई। राजस्थान का सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन न्यूज 18 के पास वो लिस्ट है जिसमें अशोक गहलोत कैंप के पास सिर्फ 99 विधायक हैं, जिसमें से 92 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे हैं, जबकि 4 मंत्री समेत 7 विधायक जयपुर में मौजूद हैं। हमारे विधायकों को, खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को। इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 कोर सेक्टर के आउटपुट से जुड़े आंकड़े सरकार ने जारी किए और ये आंकड़े आर्थिक मोर्चे पर सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। जून में 8 कोर सेक्टर में सालाना आधार पर 15% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये हालात इससे पिछले महीने से बेहतर है। मई में ये गिरावट 22% रही थी। कोर सेक्टर में स्टील, कोयला, बिजली, नेचुरल गैस समेत 8 चीजें शामिल की जाती हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था की सेहत का अनुमान लगाया जाता है। सबसे ज्यादा 33% गिरावट इनमें स्टील सेक्टर में दर्ज की गई। केजरीवाल सरकार के 2 फैसलों को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के 2 अहम फैसलों को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने के फैसले पर रोक लगा दी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई। लगातार केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करके न जाने दिल्ली वालों से बदला क्यों लेना चाहती है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बातचीत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मोहम्मद यूनुस ने कोरोना संकट को गांव की अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए बड़ा अवसर बताया। Why can't we have the economy of the rural area built as a separate parallel economy, autonomous economy? आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। दावा है कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें शराब नहीं मिली, जिसके बाद इन लोगों ने सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो घर के अंदर उगाई गई शिमला मिर्च तोड़ती नजर आई। साथ ही उन्होंने दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। सुशांत खुदकुशी केस की जांच कर रही पटना पुलिस से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस को अनुरोध पत्र दिया था कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में पटना पुलिस का सहयोग करे, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया। अब मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग करेगी। बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में तटबंधों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तटबंधों और बांधों के टूटने का डर सता रहा।
जिसे देखते हुए कई जिलों में उनकी मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। ऐसी ही एक तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई, जहां प्रशासन के लोग गांव वालों की मदद से रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे दिखे, ताकि उफान पर बह रही बूढ़ी गंडक नदी के कटान से बांध को बचाया जा सके। नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए कई लोग सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर बांध के किनारे रखते नजर आए। कुछ लोग ट्रैक्टर से रेत की बोरियों को उतारते दिखे। यही नहीं, खुदाई करने वाली एक मशीन से भी बांध पर मिट्टी डाली गई। प्रशासन के द्वारा और ग्रामीण के सहयोग से 3 दिनों में रिंग बांध का निर्माण कराया गया। इसी तरह की एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई, जहां प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में तटबंध को टूटने से बचाने के लिए कई मजदूर रेत से भरी बोरियों को किनारे पर रखते दिखे, जबकि कुछ मजदूर बोरियों में मिट्टी भरते नजर आए। यही नहीं, गांव के लोग भी तटबंध की मरम्मत में जुटे दिखाई दिए। यहां पर ये टूट जाएगी, यहां पे उसके बाद तो यहां फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। परेशानी इस बात की है कि कई जगहों पर तटबंध से रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस जांच पर अपना बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि मुंबई पुलिस केस सुलझाने में काबिल है, ऐसे में उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाएं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है, अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे, लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार दो राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। कोरोना संकट के बीच लंदन में मैडम तुसाद म्यूजियम 4 महीने बाद एक बार फिर खुल रहा है। कोरोना की वजह से इसे मार्च में ही बंद कर दिया गया था, जिसे अब कल से लोगों के लिए फिर खोला जाएगा, और इसके लिए वहां तैयारियां भी तेज कर दी गईं। म्यूजियम के कर्मचारी वहां रखे मोम के पुतलों को सजाते संवारते नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पुतलों को रंग रोगन करने के साथ उन्हें मास्क भी पहना दिया गया। एक कर्मचारी वहां मौजूद भारतीय फिल्म कलाकार दीपिका पादुकोण के पुतले को संवारती दिखी। इसी तरह ब्रिटेन की महारानी और शाही घराने के दूसरे सदस्यों के पुतलों को भी तैयार किया गया। कोरोना से बचाव के लिए वहां पूरी सावधानी रखने का भी दावा किया गया। लोग एक दूसरे से दूर रहें, इसके लिए म्यूजियम के फर्श पर निशान बनाए गए। यही नहीं, वहां आने वालों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात के संकेत दिए हैं कि वो चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि टिकटॉक के अलावा उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। But a lot of things are happening, so we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. महाराष्ट्र में 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत मिलने के बाद मुंबई के तमाम मॉल में हलचल तेज हो गई। खरीदारी करने वालों के साथ ही मॉल में काम करने वाले कोरोना से बच सकें, इसके उपाय होने लगे। और ऐसी ही तैयारी की झलक कुर्ला के एक मॉल में दिखी, जहां मॉल प्रबंधक तमाम काम करने वालों को अपनी और दूसरों की हिफाजत के तरीके समझाते दिखे। कर्मचारियों को बताया गया कि मॉल में घुसने से पहले गेट पर ही हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने जूते चप्पल सैनिटाइज करने होंगे, जिसके लिए खास तरह की मैट नजर आई। गेट से आगे बढ़ते ही हर शख्स को एक सेंसर के पास खड़ा रहना होगा, जो उसके शरीर का तापमान बता देगा। बुखार नहीं होने पर उस शख्स को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, जहां मशीन को छूने की जरूरत नहीं होगी, और इसके बाद उसके पास जो भी सामान होगा उसे स्क्रीनिंग मशीन में रखने पर अल्ट्रावायलेट किरणें उसे भी वायरस से मुक्त कर देंगी। मॉल को इतना सैनिटाइज और इतना सेफ रखा जाए कि लोग यहां पे आने में काफी कंफर्टेबल रहें। मॉल के अंदर जगह जगह हाथ और सामान सैनिटाइज करने वाली मशीनें दिखी, और सफाई करने वाले लगातार चप्पे चप्पे की सफाई के साथ ही छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि मॉल में भीड़ न लगे, इसके लिए हर दुकान में एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इसके लिए आइसोलेशन रूम का इंतजाम तो दिखा ही, साथ ही एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की तैयारी भी नजर आई। भारतीय सेना पर बनने वाली वेब सीरीज और फिल्मों का प्रसारण अब आसान नहीं होगा। अब सेना पर बनने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसारण के लिए रक्षा मंत्रालय से NOC लेना होगा। रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना के जवानों और सेना की वर्दी के अपमानजनक तरीके से फिल्मों को में पेश करने की काफी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों को रक्षा मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया और फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया कि भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के प्रसारण के से पहले रक्षा मंत्रालय से NOC लेना जरूरी कर दें। ऐसे में अब बिना NOC लिए भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्मों का प्रसारण नहीं होगा।
नेपाल के अड़ियल रुख की वजह से इस बार भी बिहार को बाढ़ का सितम झेलना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नेपाल में 3 अहम बांधों के निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस बार भी नेपाल की तरफ से काफी ज्यादा पानी बिहार में दाखिल हो गया और राज्य के 10 से ज्यादा जिलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आयोग ने बताया कि बिहार में 24 जगहों पर नदियां अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जितना सहयोग अपेक्षित सहयोग अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। झारखंड के धनबाद में एक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से कोरोना एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में मरने वाला कोरोना मरीज झरिया का रहने वाला था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सिलेंडर फटने की घटना से इनकार किया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि नर्स की जगह कोई और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा था, तभी धमाका हो गया। दक्षिण कोरिया के हेजोन में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। गाड़ियों के पहिए बाढ़ के पानी में तैरते नजर आए। खिड़कियों पर खड़े लोगों को मदद का इंतजार करते हुए देखा गया। बताया गया कि वहां बाढ़ में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से कई नदियों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। रुपये ना देने पर गुस्साए बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में नशे के लिए रुपया ना देने पर गुस्साए बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। एमपी के खरगोन में एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश एक बैंक कर्मचारी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। बिहार के दरभंगा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 बंदूकें भी बरामद की। एक्टर मिलिंद सोमन ने सोशल मीडिया पर कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन ने अपनी बेटी के साथ गाना गाने का एक वीडियो शेयर किया। नेपाल के धार्दिंग में एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा के सामने वो संतुलन नहीं बना सका और मोटरसाइकिल समेत पानी के साथ बहने लगा। तेज बहाव के बावजूद उसने अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। बाइक सवार को बहता देख वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद 2 लोग नदी में उतरे और तेज बहाव में फंसे आदमी को बाहर निकाला। बाद में रस्सी की मदद से उसकी मोटरसाइकिल को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात के सूरत में हजारी इलाके में आइसोलेशन सेंटर बनाया। इस सेंटर का उद्घाटन गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया। 75 बिस्तरों वाले इस केंद्र में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जहां कोरोना के ऐसे मरीजों को भर्ती करवाया जा सकेगा जो कम गंभीर होंगे। यह आइसोलेशन सेंटर सूरत के हजीरा इलाके में बना है, जहां कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। राजस्थान में सरकार बचाने की उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। वहां लंबी तकरार के बाद राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद गहलोत समर्थक विधायक जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए गए। सचिन पायलट की बगावत के बाद से ही ये विधायक जयपुर के एक होटल में रह रहे थे, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद उन्हें जैसलमेर के एक 5-स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया। ये विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से 3 चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जैसलमेर रवाना हुए। ये सभी विधायक 14 अगस्त तक वहां रहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जयपुर एयरपोर्ट पर MLA एक एक करके यहाँ से होटल से पहुँचे हैं और अब उसके बाद में एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जैसलमेर रवाना होने से पहले इन विधायकों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई और उन्होंने अपने हाव भाव से सरकार के सुरक्षित होने के संकेत दिए। लोकतंत्र बताएंगे राजस्थान में करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर तंज कसा। जैसलमेर के बाद आगे पाकिस्तान आ जाता है, उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा तो दोनों तरफ ही है, काले जाएंगे। जैसलमेर के जिस होटल में विधायक रुके हैं वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत के 25 साल पूरे होने पर मोबाइल कंपनियों के संगठन COAI ने एक वेबिनार किया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए और देश में 5G टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ावा देने की अपील की। Here I specifically refer to the fact that India still has 300 million mobile subscribers trapped in the 2G era. Their feature phones keep them excluded even from the basic uses of internet. At a time where both India and the rest of the world are standing at the doorsteps of 5G telephony, I think necessary policy steps should be taken with utmost urgency to make 2G a part of history. दिल्ली हिंसा केस में वकीलों के पैनल के मामले में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार खत्म हो गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हिंसा मामलों पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए वकीलों के पैनल की घोषणा कर दी, जिसमें सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत 6 वकील। वकीलों के इस पैनल को पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने खारिज कर दिया था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए पैनल को बरकरार रखा। अब दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसी पैनल की घोषणा की, जिसके बाद ये सभी वकील दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से केस लड़ेंगे। संविधान में लिखा है कि अगर एलजी साहब को कोई भी अगर आपत्ति है तो वो राष्ट्रपति को फाइनल डिसीजन के लिए भेज सकते हैं, और फाइनल डिसीजन आने तक अगर बहुत इमरजेंसी है तो अपना आदेश दे सकते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया है कि जो पैनल पुलिस ने सजेस्ट किया था उसको लागू किया जाए। यूपी के एटा में एसएसपी ऑफिस के सामने 2 महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि एक महिला ने दूसरी महिला पर लूट का आरोप लगाया और इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक महिला ने दूसरी महिला का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उनके बीच सड़क पर खींचतान होने लगी। दोनों महिलाओं को सड़क पर झगड़ता देख वहां कई लोग जमा हो गए और कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते दिखे। इस बीच वहां से पुलिस की एक गाड़ी भी गुजरी, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद एक महिला वहां से किसी तरह भाग गई और थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने आरोप लगाया कि उस पर रेप का केस वापस लेने का दबाव बनाया गया, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो आरोपी पक्ष के लोगों ने सड़क पर उसके साथ मारपीट की। मुझे संदीप की बहन और संदीप के घर वाले सब झूठा फंसाना चाहते हैं। मैं वहाँ से निकल के जा रही थी तो उन लोगों ने मुझे वही SBI बैंक के सामने में CEO ऑफिस जा रही थी, उन्होंने घेरा मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उपहंते नाले को पार करते वक्त कांग्रेस विधायक हरीश धामी सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये घटना तब उस वक्त हुई जब वो प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे, लेकिन वहां से निकलना उनके लिए तब मुश्किल हो गया जब एक बरसाती नाले में अचानक मलबे का सैलाब आ गया। ये देख सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। भागो भागो भागो, अरे भागो। डर और घबराहट के बीच कांग्रेस विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज था और बड़े बड़े पत्थर भी रास्ते में थे, मतलब नाले को पार करना आसान नहीं था। खतरे की वजह से कांग्रेस विधायक को सबसे आगे रखा गया। वो धीरे धीरे नदी के दूसरे छोर के काफी करीब पहुंच गए, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया। अरे उठा लो उठा लो। ये देख वहां मौजूद लोग काफी डर गए। पीछे खड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। 3-4 लोगों की मदद से उन्हें फिर से उठा लिया गया और कांग्रेस विधायक की जान बचा ली गई। ये बहते बहते हरीश धामी जी बच चुके हैं, आधा बह गए थे। इस हादसे में विधायक हरीश धामी के दोनों पैरों और हाथों में काफी चोटें आईं। अमेरिका के ह्यूस्टन में केमिकल के एक गोदाम में आग लग गई, या किस वजह से लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन केमिकल भरा होने की वजह से ये बहुत तेजी से फैल गई और उसने गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद गोदाम से भीषण लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया, जो पूरे इलाके में फैल गया। एहतियात के तौर पर गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से गुजरने के लिए भी मना कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुट गईं। दमकल कर्मचारी गोदाम को चारों तरफ से घेर कर वहां पानी की बौछार करते दिखाई दिए। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाकर किसान कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया और दिल्ली में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि भवन के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के लिए फौरन दिल्ली पुलिस पहुंच गई।
और चेतावनी देने के बावजूद जब किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने धरना खत्म करने से मना कर दिया तो पुलिस वालों ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस से थाने भेज दिया। किसान विरोधी यह सरकार। इससे पहले किसान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि भवन के सामने पहुंचे हैं और इस तरीके से अचानक यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को महामारी कानून और इलाके में प्रदर्शन की रोक का हवाला देकर धरना खत्म करने को कहा। यहां पर धारा 144 लगी हुई है, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट या धरना यहां पे बिल्कुल निषेध है। और एक नेता ने जब आनाकानी की तो पुलिस के जवानों ने उन्हें जबरन हटा दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़के पर कुछ लोगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये मीट भैंस का है जिसका सैंपल पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया, लेकिन इससे पहले गुरुग्राम में जमकर हंगामा हुआ। मीट से लदी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया और ड्राइवर वाली सीट पर बैठे एक शख्स को बाहर निकाला और उसे बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोग उस पर हथौड़े से भी वार करते नजर आए। इस मारपीट में उसके कपड़े भी फट गए। पुलिस ने उसे पीट रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए। दावा है कि इसके बाद पुलिस के सामने घायल हालत में उस लड़के को अगवा करके ये शख्स ले गए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक रिहायशी इमारत में आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग पूरी इमारत में फैल गई, जिसकी सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गईं। लेकिन आग बुझा रहे लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरी इमारत आग की भयानक लपटों में घिरी दिखी। यही नहीं, इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलता दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग बुझाने के लिए उस पर पानी की बौछार करते दिखे। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम के कोकराझार में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहां कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की कई टीमें नाव से वहां पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ का पानी मकानों में भरा दिखाई दिया। सड़कों का तो जैसे नामो निशान तक मिट गया, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। कुछ लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। हालांकि एनडीआरएफ की एक टीम वहां घर घर जाकर फंसे हुए लोगों को बचाती दिखाई दी, लेकिन कुदरत की मार से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और लोगों को बाढ़ से कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बड़ी संख्या में BS4 मानक वाली गाड़ियों को बेचने पर नाराजगी भी जताई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इस बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसे देखते हुए डीलरों ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 मानक वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की। इस पर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10% गाड़ियों को बेचने की इजाजत दी थी, जिसका फायदा उठाते हुए डीलरों ने तय संख्या से ज्यादा गाड़ियां बेच दी, जिसके बाद 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस जांच पर अपना बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि मुंबई पुलिस केस सुलझाने में काबिल है, ऐसे में उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाएं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है, अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं। हम दोषी से पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे, लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार दो राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें।